This is Metaverse, a place where you can be anything or anyone. Well, actually, this is just a movie trailer. Yeah, actual Metaverse. Or at least it will be according to Facebook. Okay, let me start from the beginning. October 2021 mein, Facebook decided to rebrand themselves into Meta. Aur saath mein, Mark Zuckerberg ne announce kiya Facebook ka naya project, the Metaverse. Today, we're going to talk about the Metaverse. Ek virtual duniya, jidhar you can do office work, have meetings, make art, play games and much more. And ye sab ghar baithe, without going anywhere. और इसी के साथ टेक इंडस्ट्री को एक नया बजवर्ड मिल गया और फिर स्टार्ट हुआ मिल्किंग प्रोसेस. एवरीवन जंप्ड ऑन दिस ट्रेंड. This week we are looking at the rising trend of the metaverse. The metaverse, the metaverse. What is even land in the metaverse? हर कंपनी अपना अलग-अलग मेटावर्स प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करने लगी, स्पेशली इन क्रिप्टो मार्केट. एवरी टोकन रिलेटेड टू मेटावर्स वेंट टू द मून एंड केम बैक. The ability to actually earn cryptocurrencies, NFTs and other digitally scarce assets. For adding value to the network, that is to play the games. December 8, 2021, Atari ne $4.3 million ka ek virtual land kharida, which became the most expensive metaverse property sale. And yaad rahe, ye asli property nahi hai. It's just a piece of software running on a server. Angreji mein ek kahawat hai, sell shovels in a gold rush. Iska matlab agar log sona khodne ke piche bhag rahe hain to unke piche mat lag jao. Unko shovel yani ki belcha becho taki samne wale ko sona mile ya na mile par tumhara fayda zarur hoga. Idhar bhi yahi hua. Metaverse ek virtual world hai jo ki asli nahi hai. So ise access karne ke liye hame chahiye ek VR headset. And do you know world ka second largest VR headset seller kaun hai? Oculus, jiska malik Facebook khud hai. मेटावर्स के अनाउंसमेंट के बाद ऑक्यूलस क्वेस्ट 2 वीआर हेडसेट, जो कि फेसबुक का ही एक प्रोडक्ट है, बिकेम द मोस्ट यूज वीआर हेडसेट इन द वर्ल्ड. वीआर हेडसेट की डिमांड 3 गुना बढ़ गई और फेसबुक का वीआर मार्केट शेयर 75% तक चला गया. मार्क जकरबर्ग ने एक तरफ डिमांड क्रिएट की और दूसरी तरफ उसका सोल्यूशन बेचा. ये स्टोरी फेसबुक के बारे में नहीं है, इट्स अबाउट अस कि हम कैसे इस गोल्ड रश का फ़ायदा उठाएं. सो हमारे पास दो ऑप्शन है. पहला, बाय अ वीआर हेडसेट एंड बिकम अ यूजर, इजी लाइफ. और बिकम अ डेवलपर एंड स्टार्ट सेलिंग शवल्स. शवल से मेरा मतलब है स्टार्ट मेकिंग वीआर एंड एआर सर्विसेज फॉर द मार्केट. इमेजिन अगर हम एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट के स्टॉक्स में स्टार्टिंग में इन्वेस्ट कर पाते तो आज प्रॉफिट आसमान छू रहे होते. सो टुडे आई एम आस्किंग यू टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ. आई नो हर कोई एक वी आर हेडसेट में इन्वेस्ट नहीं कर सकता टू बिकम अ डेवलपर. सो आई हैव डिसाइडेड टू इंटीग्रेट ए आर एंड वी आर इन माई प्रोजेक्ट्स टू शो यू दैट वी डोंट नीड एक्सपेंसिव हार्डवेयर एंड कम बजट में भी कैसे हम अपना काम निकाल सकते हैं. आई एम नॉट अ एक्सपर्ट ऑन दिस टॉपिक बट जैसे जैसे मैं सीखता जाऊँगा आई विल ट्राई टू टीच यू गाइस. और अगर कोई प्रोजेक्ट से रिलेटेड हेल्प चाहिए तो नीचे डिस्कॉर्ड एंड इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी देयर. सो आज के वीडियो में आई विल शो यू हाउ टू मेक अ ऑगमेंटेड रियलिटी ऐप विदाउट एनी कोडिंग फॉर फ्री. इसके लिए हमें सिर्फ चाहिए एक पीसी और एक फ़ोन. नॉर्मली आई यूज़ पाइथन, कैड मॉडलिंग एंड लॉट ऑफ 3D प्रिंटिंग इन माई प्रोजेक्ट्स, बट इस बार काम थोड़ा आसान करेंगे एंड विल जस्ट यूज़ यूनिटी. यूनिटी इज़ अ फ्री क्रॉस प्लेटफॉर्म गेम इंजन. काफ़ी सारे पॉपुलर गेम जैसे कि पोकेमॉन गो एंड बीट सेबर इसी प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं. स्टेप वन में वी विल डाउनलोड एंड इंस्टॉल यूनिटी एंड इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. इंस्टॉल होने के बाद ये कुछ इस तरह दिखेगा. Now we'll create a new project, select 3D core and project ko ek naam denge. I'm giving my AR but you can give anything, it doesn't matter. And because we are running this first time so ye thoda sa time lega chalne mein. So ye hai Unity ka default scene, as you can see isme kuch bhi nahi hai. And by default Unity mein VR engine aata hai for making VR and AR apps, but hum isse bhi ek aasan cheez karenge, we will use Vuforia engine. Vuforia is a AR platform which is specially made to run on mobile devices jaise ki phones, AR glasses and VR headset. एंड द बेस्ट पार्ट इज Vuforia की वेबसाइट में ऑलरेडी यूनिटी के लिए एक प्रीबिल्ट सीन दिया हुआ है. सो हमें सिर्फ साइन इन करके इसको डाउनलोड करना है. एंड अगेन इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. सीन डाउनलोड करने के बाद जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप इनटू यूनिटी, क्लिक इंपोर्ट एंड हो गया. पहले वी विल सेटअप आवर कैमरा. इसके लिए राइट क्लिक ऑन लेफ्ट हैंड साइड, गो टू Vuforia इंजन, देन सेलेक्ट AR कैमरा. और सब कुछ सही से किया होगा तो ये कुछ इस तरह दिखेगा. ऑगमेंटेड रियलिटी के लिए हमें चाहिए एक सब्जेक्ट फॉर ट्रैकिंग. सो वील एड अवर इमेज टारगेट. सो दिस टाइम गो टू लेफ्ट हैंड साइड, क्लिक ऑन AR कैमरा, देन गो टू Vuforia इंजन, देन सेलेक्ट इमेज टारगेट. अब हम ऐड करेंगे ट्रैकिंग इमेज को. सो यू कैन यूज़ एनी इमेज बट टू कीप दिस प्रोजेक्ट सिंपल, Vuforia ने अपनी तरफ से ऑलरेडी कुछ डिफॉल्ट इमेजेस प्रोवाइड की हैं. सो वी विल यूज़ दैम. इनका भी डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप दैम इन टू द सीन. इसके बाद फिर से क्लिक ऑन इमेज टारगेट, देन गो टू राइट हैंड साइड, क्लिक ऑन सेलेक्ट इमेज एंड यहां से अपनी इमेज को सेलेक्ट करना है.
अगर इमेज सही से इंपोर्ट हुई है तो ये कुछ इस तरह से दिखेगी हमारे सीन में। एट दिस पॉइंट हमारी ऐप 50% रेडी है, इसे टेस्ट करने के लिए क्लिक ऑन द प्ले बटन। बट अभी यू विल सी जस्ट ब्लैक स्क्रीन बिकॉज हमने Vuforia का SDK अभी एक्टिवेट नहीं किया है। सो इसे एक्टिवेट करने के लिए हमें चाहिए एक लाइसेंस की जो कि फ्री है। सो हम फिर से Vuforia की वेबसाइट में जाएंगे developer.vuforia.com, देन क्लिक ऑन लाइसेंस मैनेजर। क्योंकि हमें फ्री वर्जन चाहिए सो वी विल क्लिक ऑन गेट बेसिक, देन गिव एनी नेम टू द लाइसेंस एंड क्लिक ऑन कन्फर्म। लाइसेंस जनरेट होने के बाद ये जो बड़ा सा नंबर देख रहे हो, वी हैव टू कॉपी इट, देन गो बैक टू यूनिटी, क्लिक ऑन AR कैमरा, स्क्रॉल डाउन, क्लिक ऑन ओपन Vuforia कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद ऐप लाइसेंस वाले सेक्शन में वी जस्ट हैव टू पेस्ट दिस की एंड हमारा लाइसेंस अब एक्टिवेटेड। एट दिस पॉइंट एवरीथिंग इज़ रेडी, बट ऑगमेंटेड रियलिटी में डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास अभी भी कुछ नहीं है, सो वी नीड अ 3D मॉडल ऑफ एनीथिंग। आई एम यूजिंग 3D मॉडल ऑफ अ कार, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ये एक .fbx फाइल है। मॉडल डाउनलोड करने के बाद जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप इट इनटू यूनिटी। फिर से हम मॉडल को ड्रैग करेंगे इनटू द टारगेट इमेज कुछ इस तरह से। अब हमारी 100% रेडी है, बट एज यू कैन सी कार का मॉडल काफ़ी बड़ा है एंड इमेज इज टू स्मॉल। सो अब हम मॉडल को स्केल डाउन करेंगे टू फिट इट प्रॉपरली इन द टारगेट इमेज। ये सब करने के लिए सेलेक्ट द मॉडल फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, फिर राइट हैंड साइड पे हमें ये कुछ ऑप्शन दिखेंगे। देन वील प्ले अराउंड विद दीज नंबर्स टू एडजस्ट द साइज ऑफ द मॉडल। एडजस्टमेंट करने के बाद क्लिक ऑन द प्ले बटन टू टेस्ट आवर ऐप। ध्यान रहे वेबकैम कनेक्टेड होना चाहिए एंड वेबकैम के सामने टारगेट इमेज को रखते ही विल सी अ रिजल्ट लाइक दिस। इफ़ यू आर गेटिंग रिजल्ट्स लाइक मी देन गुड जॉब, सब कुछ सही है, हमारी ऐप बिल्कुल रेडी है। बट अभी ऐप चल रही हमारे PC पे, नेक्स्ट स्टेप में विल कन्वर्ट इन टू APK फाइल ताकि हम इसे अपने फ़ोन पर चला पाएँ। ये हमारा लास्ट एंड सबसे ईजी स्टेप है। APK फाइल बनाने के लिए क्लिक ऑन फाइल, देन क्लिक ऑन बिल्ड सेटिंग्स, देन क्लिक ऑन एड ओपन सीन्स। एंड अभी देख रहे हो PC एंड Mac सेलेक्टेड है क्योंकि हम एंड्रॉयड के लिए बना रहे हैं, सो विल क्लिक ऑन एंड्रॉयड। इफ़ यू डूइंग दिस फर्स्ट टाइम एंड्रॉयड वाला ऑप्शन खाली होगा, इसमें एक इंस्टॉल का ऑप्शन होगा, क्लिक ऑन इट, इंस्टॉल एंड्रॉयड। और PC रिस्टार्ट करने के बाद वी विल डू द सेम स्टेप्स। उसके बाद जस्ट क्लिक ऑन बिल्ड और हमारी ऐप इज़ रेडी। नेक्स्ट जस्ट कॉपी एंड इंस्टॉल APK फाइल ऑन योर फोन। यहाँ पर आई एम यूजिंग माई लैपटॉप स्क्रीन टू सेव पेपर, बट यू कैन ऑल्सो टेक प्रिंट आउट ऑफ द टारगेट इमेज। दिस वॉज द फर्स्ट ट्यूटोरियल, इसीलिए ये प्रोजेक्ट काफ़ी सिंपल रखा है, लेकिन अगर हम चाहें तो कॉम्प्लिकेटेड ऐप्स जैसे कि मोबाइल गेम्स भी बना सकते हैं। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन हाउ टू मेक ऑगमेंटेड रियलिटी गेम्स, लेट मी नो इन द कमेंट्स।